गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज मंडे। मंडे ही है, वेडनेसडे, और आज है होली। सो हैप्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली एवरीवन। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सो अभी हम लोग जा रहे हैं होली खेलने के लिए। अभी तो हम लोग साफ सुथरे से दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से देखते हैं कि तो भूत बन के नीचे आएंगे। सो अभी ऊपर छत पे जा रहे हैं और होली खेलेंगे थोड़ी सी। और होली है, सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक होली खेलना बनता है। सो बाल्टी पिचकारी ले जा रहे हैं ऊपर, अगर पानी आ रहा होगा तो जरूर होली खेलेंगे। पानी नहीं आ रहा होगा तो सूखी होली खेल के नीचे आएंगे। कलर भी नहीं लिया, कलर डाल दे उसमें बाल्टी में। सो अभी चलते हैं फटाफट ऊपर और होली खेलते हैं। नीचे तो घर में खेल नहीं सकते और बाहर तो जा नहीं सकते, सो एक ऑप्शन बचता है छत। सो छत पे खेलेंगे होली। सो छत पे आ गए हैं और छत पे आने के बाद नज़ारे हैं कुछ इस टाइप से। आप देख सकते हैं हमारी फैमिली खड़ी है और यहाँ से पूरा काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। सो अभी बाहर है, अभी देखते खेलते हैं होली। सो होली सेलिब्रेट हो रही है हमारी और वो तार आ गई। सो अभी आप देख चुके हैं हमारा थोड़ा सा फेस अब धीरे धीरे कवर होता जा रहा है कलर से। अभी पानी से भी खेलेंगे। सो अभी तो खाली सूखी सूखी होली खेली है और गर्मी एक्चुअली बहुत हो गई, हम थोड़ा सा लेट हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को। हमें मे भी 10 बजे तक आ जाना चाहिए था छत पे, लेकिन अब यहाँ से काले होके जाएंगे, हफ्सी बन के जाएंगे। सो फोन पे नहीं जाना चाहिए। हैप्पी होली। यहाँ पे खड़े हो जाओ, इधर आओ, कुकु चलाएगी, लो पकड़ो इसको, चलाओ मम्मा पे, इधर से पकड़ो, इधर से, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी और भी चलाएंगे, आ जाओ वापिस चलाएंगे। वही ठंडा पानी है, वही तो बोलो, ठंडा पानी, ठंडी लग रही। इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अरे ये भागना, छत पे भागना नहीं है, और खेलने वाले खेलने। कैमरे के लिए डालना पड़ेगा। देखा कैसे खेलते हो,
बैठना नहीं है, पास से देखो सिंदूर लग रहा है। खेल लिया ऑलमोस्ट पानी वानी से, और पानी थोड़ा ठंडा था, टंकी का था तो ठंडा ठंडा पानी डाल लिया था अपने ऊपर, बहुत ठंडा पानी लेकिन ये है कि धूप भी बहुत तेज आ रही थी, इतना पता नहीं चला, थोड़ी देर बाद एक बार में पता चलता है, फिर पता नहीं चलता। तो काफ़ी इंजॉय करा होली पे आके, हमने कलर वलर लगाया, थोड़ी सी और खेलेंगे होली और फिर खाने पीने का कुछ प्रबंध करेंगे। तो कू रोने नहीं, लेकिन इस बार कू हंस रही है, रो नहीं रही है ना बेटे। और कू ने भी काफ़ी इंजॉय करा होली को, कलर लगाया। इसकी भी, इसका भी पहला एक्सपीरियंस है जो इसने बड़े उसमें देखा, पहले तो छोटी थी तो इसने मतलब इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दिया इसने, लेकिन अब इसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आजू बाजू के लोगों को देखती है, आजू बाजू सबको देखा, छोटे छोटे बच्चों को देखा भागते हुए पिचकारी लेते हुए, तो इसको भी एक्साइटमेंट हुआ और अब वो होली खेलने के लिए रेडी है। एंजॉय करती है। हाँ, हमने इस पर पानी नहीं डाला क्योंकि सभी प्रिकॉशन लेते हैं छोटे बच्चों के साथ, और इसको तो वैसे भी थोड़ा जुकाम है, सो पानी तो सिर्फ हम लोगों ने अपने ऊपर ही डाला। ये चल रहा है होली पे। आपने दिखाया, मैंने आपको दिखाया, सब जगह धूम चल रही है होली की, सब लोग अपने वेल विशर्स के पास जा रहे हैं, अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं और सब बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। सो हम लोग भी आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हमारी फैमिली की तरफ से। अंदर है पनीर और ये करेंगे हम, खाएंगे साथ में। सो ये चीज़ खोल के देखा जाएगा, इसको भी खोलेंगे ना, पकड़ जग में रुमाल डाल दियो, ये देखो, ओ ये अच्छा लग रहा है। सो खाने के बाद पता, थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा नहीं होगी इसका, सब देखेंगे खाने के बाद। बटर मसाला वैसे थोड़ा सा ठीक होता है, लेकिन इसकी ग्रेवी थोड़ी सी लाइट आई है, पता नहीं क्या है, देखेंगे खा के कैसा टेस्ट होगा। यहाँ पे बन रही है गरम गरम चपाती, और करेंगे अभी नाश्ता, और सब नाश्ता नाश्ता ही है एक तरीके का। सो ये होगा लंच, लंच प्लस डिनर होगा ये। अभी मेरे ख्याल से टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहे हैं आसपास होगा, नहीं तो 2 बज रहे हैं लंच टाइम पे। सो यहाँ पे बन रही है रोटियां और अभी खाएंगे। इनको, इनकी शैतानी खत्म ही नहीं होती। जग रखो वहाँ पे, चलो वहाँ पे जल्दी जल्दी जल्दी, कुकू ना ऊपर देखो, क्या कर रहा था मेरा बेटा, जग में क्या कर रहे थे आप, क्यों जल्दी बताओ, बनाएंगे खाना, बनाएंगे पराठा और खाना बनाएंगे पराठा नहीं, रोटी बनाएंगे, घी लगाएंगे उस पे, रोटी पे घी। अरे कहाँ भाग रहे हो बेटा, घी लगाएंगे और रोटी खाएंगे, और सब्जी में पता है क्या है, सब्जी में इधर देखो, सब्जी में पता है क्या है, पनीर की सब्जी है। हाँ पनीर खाते हो आप, पनीर टेस्टी होता है। हाँ अभी आपको पनीर खिलाएंगे, ठीक है, पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला, मसाला बोलेंगे। हाँ पनीर बटर मसाला बोलेंगे है ना। अभी खाएंगे आप, आ जा
पापा के पास आ जाओ, नहा धो के तैयार हो गए दोबारा से, हमारा फेस एकदम चमक गया है। एक्चुअली हम पक्के कलर से होली खेलना प्रेफर नहीं करते, सो हम कच्चे कलर से खेलते हैं तो जल्दी से धुल जाता है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और स्किन भी ठीक रहती है। सो गुलाल से खेली थी होली, और गुलाल और पानी से। लंच टाइम है तो लंच करेंगे। घी की रोटियां हैं और साथ में है पनीर बटर मसाला, लेकिन ये बात खाएं खाएंगे। और आप बताना कैसा है, ठीक है? डुबुक कर दूं? डुबुक कर दूं? ये लो, कैसा है? अच्छी लग रही है। सो शाम का वक्त है और होली खेलने के बाद, खाना खाने के बाद बहुत गहरी नींद आई और सारे सो गए। सबसे पहले कोहू और फिर धीरे धीरे करके हमारी भी बैटरी डाउन हो गई। पता नहीं होली के बाद ऐसा कुछ होता है कि थकान हो जाती है या क्या होता पता नहीं, लेकिन नींद आती है। सो खा पी के सो गए और अभी उठे हैं, 5:30 बज रहे हैं इवनिंग टाइम। सो अभी चाय वाय पियेंगे। सो शाम की चाय का मज़ा लिया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को आलस आता हुआ, कुकू अभी चाय में हाथ डल चले जाता, लेट के खा रहे हैं। और यहाँ पे सब नींद के दीवाने हो रखे हैं। शक्लें देखो सबकी चाइनीज़ बन रखी है, ये भी चाइनीज़, ये भी चाइनीज़। ये तो बच्चा स्माइल कर रहा है, ये तो बच्चा स्माइल कर रहा है भाई। सो अभी चाय, आज पूरा दिन रेस्ट में निकला। सो सुबह से शाम तक रेस्ट ही करा। थोड़ी बारिश भी हुई है बाहर, पता नहीं, मतलब 2 दिन पहले मेरे को, मतलब मैंने मौसम विभाग का एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें बोल रहे थे कि इस बार होली पे शायद बारिश हो सकती है, तो वही बारिश देखने को मिली है। मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि यार मौसम विभाग का कभी सच नहीं होता, लेकिन शाम होते होते मौसम विभाग की रिपोर्ट भी सच हुई। सो थोड़ा सरप्राइजिंग था कि होली के दिन बारिश बहुत कम देखने को मिलती है, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है मौसम में। हाँ थोड़ी सी ठंडक हो सकती है, लेकिन कल सुबह अगर धूप निकली तो सब वैसा ही नॉर्मल हो जाएगा। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my love.